अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एलिस कुकिंग। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन फिल्ड मिनी बंस, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट से बन होते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने में भी। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। चलिए इसे बनाते हैं। तो बनाने के लिए पहले हमने लिया है मैदा, यानी कि ऑल पर्पज़ फ्लावर 4 कप्स, यानी कि 4 कटोरी। और इतने मैदे से मेरे 16 to 15 बंस बन गए थे आराम से। आपको जितने ज़्यादा बंस बनाने हैं आप उतना ज़्यादा मैदा ऐड कीजिएगा। तो चलिए अब हम ऐड करेंगे सॉल्ट, यानी कि नमक एज़ पर टेस्ट, या फिर आप 1 टीस्पून से 2 टीस्पून नमक ऐड कर सकते हो इतने आटे में। अब हम इसमें ऐड करेंगे यीस्ट 1 टीस्पून, अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक और यीस्ट जो है मैदे से अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमने 1 गिलास पानी ऐड किया है, फुल 1 गिलास पानी ऐड किया है। अच्छे से ऐड कर लीजिए, ज़्यादा पानी ऐड मत कीजिए क्योंकि हमने इसमें यीस्ट भी ऐड किया है और आगे ऑयल भी ऐड करेंगे, इसलिए ज़्यादा पानी ऐड मत कीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक और बार क्योंकि हमने इसमें पानी ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल आप कौन सा भी ऐड कर सकते हो, ऑलिव ऑयल, नॉर्मल ऑयल, कोई भी। हम 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे, यानी कि तेल। अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक और बार। मिक्स करने के बाद आप इसे एक बार हाथ से गूंद लीजिए ताकि जो सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और हमारा आटा जो है अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। अब हम आटे को रेस्ट पर रखेंगे, यानी कि डो को रेस्ट पर रखेंगे तकरीबन 1 आवर ताकि जो हमारा आटा है राइज हो जाए। और अब हम फिलिंग बनाएंगे बंस के लिए। बंस के लिए फिलिंग बनाने के लिए हमने एक पैन में लिया है 2 टेबल स्पून ऑयल और फिर ऐड करेंगे उसमें चॉप्ड बेल पेपर्स, यानी कि शिमला मिर्च। मैंने ग्रीन, रेड और येलो शिमला मिर्च ऐड की है। और अब हम इसे स्टर फ्राई कर लेंगे फ्यू मिनट्स के लिए ताकि ये थोड़े से अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन, श्रेडेड चिकन। मैंने 400 ग्राम ऑफ श्रेडेड चिकन ऐड किया है। चिकन को अच्छी तरह से आप पहले कुक कर लीजिए, इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लीजिए। अच्छे से कुक कर लेने के बाद जब हमारा चिकन अच्छे से गल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, अब इसे श्रेड कर लीजिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट एज पर टेस्ट, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मिंट पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर। अगर आपके पास मिंट पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें फ्रेश मिंट भी ऐड कर सकते हो। हम सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। सारे मसाले ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे विनेगर 1 टीस्पून। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो चिली सॉस 2 से 3 टीस्पून। आप कोई भी टमाटो सॉस ऐड कर सकते हो इसमें। अब हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसे फ्यू मिनट्स के लिए कुक कीजिएगा क्योंकि हमारा चिकन जो हमने ऑलरेडी पहले कुक किया था और उसके बाद स्ट्रेट करके इसमें डाला था, इसलिए हम इसे फ्यू सेकंड के लिए कुक करेंगे। ये देखिए हमारी फिलिंग रेडी हो चुकी है, आप फ्लेम ऑफ कर दीजिए और इसमें ऐड कर दीजिए धनिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस, तकरीबन 1 to 2 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड करेंगे इसमें। अगर आपके पास चिली सॉस अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें मेयोनीज भी ऐड कर सकते हो। मेयोनीज भी आप सेम क्वांटिटी में ऐड कीजिए 1 to 2 टेबल स्पून और मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से सारी फिलिंग को और आपकी फिलिंग रेडी है। अब हम देखते हैं डो को। ये देखिए हमारा डो अच्छी तरह से राइज हो चुका है। मैंने इसे 1 आवर तक रखा था, कोई गर्म जगह पर रखिए आप इसे ताकि अच्छी तरह से राइज हो। ये देखिए अच्छी तरह से राइज हो चुका है हमारा डो। अब हम इसे एक लाइट से गूंद लेंगे और इसके बॉल्स बनाएंगे। इक्वल बॉल्स बनाइए सारे। ये देखिए आप बॉल्स इस तरह से बनाइए, साइड से इसे खींचिए और नीचे से इसे बंद कर दीजिए। और ये देखिए हमारे बॉल्स रेडी है। आप ऐसे ही सारे बॉल्स बना लीजिए। सारे बॉल्स बनने के बाद अब हम इसमें फिलिंग फिल करेंगे। पहले हम इसे थोड़ा सा फ्लैट करेंगे, ज़्यादा फ्लैट नहीं करेंगे। फ्लैट करने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून फिलिंग ऐड करेंगे। सिर्फ 1 टीस्पून फिलिंग ऐड कीजिए क्योंकि ज़्यादा फिलिंग ऐड करने से ये फट जाएंगे, इसलिए आप इसे 1 टीस्पून फिलिंग ऐड कीजिए और इसके साइड से इसे बंद कर दीजिए। बिल्कुल बॉल के शेप में जब ये बन जाएगा तो आपका जो एक बन है वो रेडी हो जाएगा। सारे बंस इसी तरह से बना लीजिएगा। देखिए मैं साइड से इसके वॉल्स ऊपर की तरफ ले रही हूँ और इसे ऊपर से बंद कर दीजिए, सील कर दीजिए। ये देखिए सारे बंस रेडी हो चुके हैं। बेकिंग टिन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिए, पहले बटर से या फिर ऑयल से, और फिर सारे बंस रख दीजिए और ओवन को प्रीहीट कीजिएगा 180 डिग्रीज पर 10 मिनट्स के लिए और फिर इसे बेक कीजिएगा 180 डिग्रीज पर 30 मिनट्स के लिए बेक कीजिएगा। और ये देखिए आपके चिकन फिल्ड मिनी बंस बनकर बिल्कुल रेडी हैं। आप इसे लास्ट में पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत बहुत टेस्टी और बहुत यम बनते हैं, बहुत सॉफ्ट से फ्लफी से बंस बनते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
कोई टी टाइम स्नैक की तरह आप इसे बना सकते हो, या फिर कोई पार्टी के लिए स्नैक बना सकते हो, कभी भी आप इसे ट्राई कर सकते हो। चलिए मैं आपको एक बन तोड़कर दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट से, कितने फ्लफी से, कितने टेस्टी बने हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मैं आज का वीडियो कैसा लगा। और ये देखिए मैं आपको एक बन तोड़कर दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट और कितना यम बना है। ये देखिए अंदर की फिलिंग भी बहुत मॉइस्ट है अभी भी, क्योंकि हमने इसमें चीली सॉस ऐड किया था। चीली सॉस की जगह आप मेयोनीज भी ऐड कर सकते हो। ये देखिए जरूर इसे ट्राई कीजिएगा। टिल देन मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।